डार्क क्राइसिस का पार्ट 10 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं हाउस ऑफ हीरोज में। हाउस ऑफ हीरोज एक ऐसी जगह है जो कि सभी मल्टीवर्स के बीच की खाली जगह में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर हम बैरी एलन और किट फ्लैश को देखते हैं और हमें फ्लैश से पता चलता है कि पराया का जो मकसद था ओरिजिनल मल्टीवर्स को वापस से रिस्टोर करने का, वो पूरा हो चुका है, जिसकी वजह से जो भी पुराने यूनिवर्स थे वो वापस आ चुके हैं। और उसके साथ ही मल्टीवर्स पर एक नया खतरा आ चुका है जिस खतरे का नाम है एंटी मॉनिटर। दरअसल में एंटी मॉनिटर ओरिजिनल क्राइसिस के दौरान मारा गया था जब न्यू 52 की शुरुआत हुई थी, पर अब ओरिजिनल मल्टीवर्स के वापस रिस्टोर होने की वजह से विलन एंटी मॉनिटर वापस आ चुका है, जो कि पूरे मल्टीवर्स के किसी भी अर्थ पर तबाही फैलाने में लगा होगा। सो इसीलिए फ्लैश एंटी मॉनिटर को सभी अर्थ पर ढूंढने वाला है, जिससे वो आखिरी बार एंटी मॉनिटर को हरा के उसे एंटी मैटर यूनिवर्स में भेज सके। सो यहाँ फ्लैश किट फ्लैश को उसे फॉलो करने के लिए कहता है और इसके बाद ये दोनों पूरे मल्टीवर्स में एंटी मॉनिटर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और मल्टीवर्स के थ्रू भागने लगते हैं। और इसी प्रकार ये दोनों भागते हुए पहुंचते हैं अर्थ 23 पर और फिर ये पहुंचते हैं अर्थ 118 पर, जो कि डार्क नाइट्स ऑफ स्टील वाला यूनिवर्स है जिसकी मैंने कॉमिक्स भी एक्सप्लेन की है। और इसके बाद अर्थ 27 पर, जो कि सुपर हीरोज का जुरासिक यूनिवर्स है। और इसके बाद अर्थ 55 पर, जो कि डिसीज्ड कॉमिक वाला यूनिवर्स है जिसमें एंटी लाइफ वायरस फैल रखा है। और फिर अर्थ 43 पर, जो कि डीसी वर्सेस वैम्पायर वाला यूनिवर्स है। और ऐसे भागते भागते फ्लैश और किट फ्लैश सभी यूनिवर्स में एंटी मॉनिटर को ढूंढते रहते हैं, पर उन्हें एंटी मॉनिटर कहीं भी दिखाई नहीं देता। पर जब फ्लैश अर्थ 28 को देखता है, उसमें उसे एंटी मॉनिटर दिखाई देता है, जो कि इस अर्थ पर तबाही फैलाने में लगा होता है। इस अर्थ पर हम सुपर हीरोज के रोबोटिक वर्जन्स को देखते हैं जो कि एंटी मॉनिटर से बुरी तरह से हार रहे होते हैं, क्योंकि एंटी मॉनिटर उनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ भागते हुए फ्लैश किट फ्लैश को वार्निंग देता है कि वॉलेस लगातार भागते रहो जिससे कि तुम्हें एंटी मॉनिटर ना देख पाए। पर फ्लैश की वार्निंग सुनने के बाद भी एंटी मॉनिटर किट फ्लैश को पकड़ लेता है और ये देखकर फ्लैश किट फ्लैश को बचाने के लिए बहुत तेजी से भागने लगता है और वो कुछ ही पलों में अर्थ के चार चक्कर लगा देता है और वो अपना इन्फिनाइट मास पंच रेडी करता है और सीधा एंटी मॉनिटर को पेल देता है। और इस पंच के पड़ने की वजह से एंटी मॉनिटर स्पेस टाइम को तोड़ते हुए वो अर्थ 6, 24, 10, 3, 93, 41 से होते हुए अर्थ 44 पर जाकर गिरता है। पर इसके बाद भी एंटी मॉनिटर फ्लैश के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद फ्लैश फिर से अर्थ के चार पांच चक्कर लगाता है और फिर से फ्लैश एंटी मॉनिटर को इन्फिनाइट मास पंच मारता है। और ऐसा करते करते एंटी मॉनिटर को चार पांच इन्फिनाइट मास पंच झेलने पड़ते हैं, जिसके बाद भी एंटी मॉनिटर को कुछ भी नहीं होता और वो फ्लैश पर एंटी मैटर एनर्जी से अटैक करता है और इसके बाद फ्लैश बुरी तरह से पिटता हुआ दिखाई देता है। इन दोनों की फाइट इतनी खतरनाक होती है कि ये दोनों एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर पहुंचते रहते हैं और फ्लैश की हालत भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो जैसा कि आपको पता है कि एंटी मॉनिटर और फ्लैश की फाइट पहले भी हो चुकी है ओरिजिनल क्राइसिस के दौरान, जिसमें एंटी मॉनिटर ने फ्लैश को क्राइसिस मशीन में बैटरी की तरह यूज़ किया था, जिसमें फ्लैश को लगातार स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ना पड़ा था और इसी की वजह से फ्लैश स्पीड फोर्स में खो गया था। और उसके लगभग 10 साल के बाद फ्लैश को वॉल्यूस ने स्पीड फोर्स से ढूंढ निकाला था। तो इसीलिए यहाँ एंटी मॉनिटर फ्लैश से कहता है कि फ्लैश तुम मर के भी जिंदा हो गए, क्यों मेरा मनोरंजन करने के लिए? तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम फिर से हार गए। ये कहने के बाद एंटी मॉनिटर फ्लैश को मारने ही वाला होता है, पर तभी कोई पीछे से उस पर अटैक कर देता है जिससे कि यहाँ फ्लैश की जान बच जाती है। और हमें पता चलता है कि यहाँ जिसने एंटी मॉनिटर पर अटैक किया होता है वो होता है बैट लैंटर्न, जो कि बैटमैन विद लैंटर्न पावर्स वाला वर्जन है। और जो किड फ्लैश होता है वो पूरे मल्टीवर्स के अलग अलग अर्थ से काफ़ी सारे सुपर हीरोज को इकट्ठा कर लेता है एंटी मॉनिटर से लड़ने के लिए। और इस पूरी टीम में हम अलग अलग यूनिवर्स के सुपर हीरोज को देखते हैं, जैसे बैट लैंटर्न, शज़ैम, सुपरमैन के अलग अलग वर्जन्स, डॉक्टर फेट, ETC। सो इसके बाद ये सभी सुपर हीरोज मिलकर एंटी मॉनिटर के आर्मर को तोड़ने लगते हैं और फ्लैश अपने पावरफुल पंच मारता रहता है। पर इसके बावजूद भी हमें ऐसा नहीं लगता कि सुपर हीरोज एंटी मॉनिटर से जीत रहे हैं और इस चीज़ को फ्लैश समझ जाता है। सो इसीलिए फ्लैश सभी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है
और वो सभी से कहता है कि मेरी बात सुनो, एंटीमोनिटर एंटीमैटर यूनिवर्स से आया है। अगर हमने एंटीमैटर यूनिवर्स का दरवाजा खोल दिया तो हम उसे एंटीमैटर यूनिवर्स में भेज सकते हैं। और ऐसा सुनने के बाद डॉक्टर फेट तुरंत ही अपनी पावर्स की मदद से वो यहाँ पर एंटीमैटर यूनिवर्स का पोर्टल खोल देते हैं। पर ये पोर्टल काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ऑटोमेटिकली बंद होने लगता है। तो पोर्टल को बंद होने से रोकने के लिए सजैम और एट्रिगन पोर्टल को खींचकर खुला रखने की कोशिश करते हैं और बैट लैंटन अपनी पावर से एक स्ट्रक्चर को बीच में लगा देता है जिससे कि पोर्टल ज्यादा समय तक खुला रहे। और इसके बाद बाकी के सभी सुपरहीरोस एंटीमोनिटर को इस पोर्टल में धक्का देने लगते हैं और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो सभी एंटीमोनिटर को उस पोर्टल में नहीं डाल पाते। सो इसीलिए फ्लैश आखिरी बार अपना पावरफुल पंच मारने के लिए रेडी होता है और जब बाकी के सुपरहीरोस एंटीमोनिटर को पोर्टल में धक्का दे रहे होते हैं तब फ्लैश अपना इन्फिनाइट मास पंच एंटीमोनिटर को पेल देता है जिसके बाद एंटीमोनिटर एंटीमैटर पोर्टल में चला जाता है। पर फ्लैश भी अपनी स्पीड के साथ उस पोर्टल में खिसता चला जाता है और जब फ्लैश को खुद के बचने की उम्मीद नहीं होती तब फ्लैश अपने आखिरी शब्द कहता है कि मैंने कर दिखाया, गुड बाय आयरिस। पर इतने में होता यह है पोर्टल के बंद होने से पहले बैट लैंटन अपनी पावर्स की मदद से फ्लैश को उस पोर्टल से बाहर निकाल लेता है और इस प्रकार बैट लैंटन फ्लैश की जान बचा लेता है। और इसके बाद बाकी के सभी सुपरहीरोज अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं और फ्लैश और किट फ्लैश अपने अर्थ जीरो की ओर जाने लगते हैं। और यहीं पर डार्क क्राइसिस का पार्ट 10 एंड हो जाता है और अब मिलते हैं डार्क क्राइसिस के फाइनल पार्ट में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream.